सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये बहुत स्पेशल वीडियो है। हालांकि कुछ यूट्यूबर ने ऑलरेडी दाल की फसलें और मूंग दाल पे चर्चा कर ली है, मगर मैं अपनी ओर से ज़्यादा जोर देने के मूड में हूँ कि गेहूं कटने के बाद अब टूड़ा भी बन गया है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और दालों की पैदावारी को बढ़ाने के पीछे मैं 2005 से लगा हूँ। तब नई नई मूंग दाल SML 668 आई थी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की। तो आइए हम दालों पे चर्चा करते हैं, क्यों मैं बढ़वाना चाहता हूँ दालों को, इस विषय को हम समझते हैं। साथ ही भारतवर्ष जो है ये बहुतायत दालें पैदा करता है, पूरे विश्व में हम काफ़ी अग्रणीय हैं और हम बहुत ज़्यादा दालें आयात भी करते हैं, विदेशों से खरीदते भी हैं, क्योंकि हमारा देश जो है मुख्यतः शाकाहारी है। हम एक डाइट में तो कम से कम एक खाने में दिन भर में दाल जरूर बनाते हैं, और दालों की अगर बात करें तो लगभग आंकड़े बताते हैं कि 24-25 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास वार्षिक सालाना इसकी पैदावारी होती है और खपत इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो उसके चलते हम हर साल विदेशों से अपना पैसा दे के काफ़ी दालों को आयात करते हैं, और उसमें मुख्यतः जो देश हैं 50% आयात जो हमारा होता है वो कनाडा और म्यांमार से होता है। म्यांमार एक छोटा देश है और दाल इतनी पैदा करता है कि वो भारत को निर्यात करता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम आंकड़ों को देखें तो काफ़ी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हम आयात करते रहे हैं, और जहां तक कुछ आंकड़े बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन से भी दालें भारतवर्ष में इम्पोर्ट होती रही हैं, हम इनका आयात करते रहे हैं। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में रशिया हो या यूक्रेन हो, तो अगर हम आयात करते रहे हैं और अब वहाँ पर कुछ स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं खेती के प्रति, तो आने वाले समय में कुछ दालों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और उसके चलते मैं आप किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अब बहुत अच्छा टाइम है, मूंग दाल की फसल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर लगाएं। ये मेरा ये अनुरोध आज जो है विशेष रूप से ये मध्यवर्गीय किसान, जो मझले किसान हैं और जो बड़े किसान हैं जिनकी लैंड होल्डिंग जो भूमि जोत है वो 30-40 एकड़ से ज़्यादा है, वो लार्ज स्केल मूंग की तरफ आएं, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। तो साथियों, अब आएगी बात कि इसको लगाएं कैसे और कब लगाना है। तो जैसे ही आपके यहाँ पर अभी तूड़ा बन जाएगा तो आप सीड ड्रिल से भी इसको लगा सकते हैं, आप प्लेवा करके बत्तर करके भी इसको लगा सकते हैं, और बीज की मात्रा 10 किलो के आसपास रहती है। मैं 8 किलो भी लगवाता रहा हूँ, 12 किलो भी कहीं कहीं चलती है, तो आप अपने ज़िला के मुताबिक इसको देख लेंगे, विशेषज्ञों की सलाह ले लेंगे। तो मैं सर्वप्रथम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दो किस्मों की सिफारिश कर रहा हूँ। एक तो है समर मूंग लुधियाना 668, ये काफ़ी अच्छी किस्म है, और दूसरी है मूंग हरियाणा 421 MH421। ये दोनों ही किस्में बहुत बेहतरीन हैं, और येलो मोजाइक एक बीमारी आ जाती है, आपने देखा होगा मूंग में पत्ते पीले पीले से पड़ जाते हैं, उनके प्रति रोग प्रतिरोधता रखती है और ठीक 60-62 दिन में पक जाती हैं, और औसतन ये 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावारी देने में समर्थ रखती हैं। मैंने काफ़ी समय पहले 11 एकड़ ज़मीन में भी एक गांव में ये लगवाया था खेत में मूंग दाल को, और हार्वेस्टर कंबाइन से कटवाया था। तो उससे आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लार्ज स्केल बड़े किसान हैं, अगर वो जाते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन में 40 एकड़ की खेती करते हैं, 30 एकड़ की, 50 एकड़ की मूंग की, तो वो कंबाइन से भी इसको कटवा सकते हैं, ये एक ही दम पकती हैं। तो एक ही दम का पकना मैंने 60-62 दिन में, जब ये काफ़ी फलियां मजबूत हो जाएंगी, काले रंग में आ जाएंगी, तो आप इसको कटवा सकते हैं, कुछ हरी हरी हो सकती हैं नीचे,
तो उससे ये मायने नहीं है कि जी अभी तो और पकड़ी थी आपने, तो एक बार कहा था। एक बार के मायने हैं कि मुख्यतः जितनी फलियाँ आनी हैं वो 60-62 दिन में आ जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 52 से 60 दिन में पकने वाली एक किस्म है, उसका नाम है विराट। ये विराट जो किस्म है ये हाल ही में उतारी गई है और बहुत अच्छी है। आप चाहें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की कुछ पुरानी किस्म है, मेरी बहुत चहेती भी रही है, पूसा विशाल भी लगा सकते हैं आप, पूसा 9531 भी लगा सकते हैं। एक और किस्म है जो अच्छी पैदावारी देती है। और अगर हम बात करें तो कुछ किस्में ऐसी हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं, मगर इसलिए कि उनकी समय अवधि ज़्यादा है, वो 70 से 80 दिन में पकती हैं। हमको अब क्योंकि धान भी लगाना है, मूंग कटने के बाद बारिश भी बीच में आ जाती है, आप चाहें तो PDM 139 और सत्या एक किस्म आई है, आप पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल किस्मों के नाम बता दिए आपको, ये सरकारी संस्थाओं में मिल जाएंगी, तो आप विश्वसनीय स्रोत से इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लाभकारी फसल है, 60-62 दिन में अगर आपको 5 क्विंटल मिलती है और इसका पैदावारी ठीक हो तो आपको काफ़ी पैसा भी दे जाएगी, और इसकी ग्रंथि में जड़ें रहती हैं और ये भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती हैं। अगर बारिश आ भी जाती है बाई चांस, ऐसा कभी कभी होता भी है, तो आप इसको मल्च कर देंगे, इससे फिर फली नहीं ले पाएंगे, और मान लीजिए 800 से 1200 रुपए का अगर बीज लग भी गया पूरे एक एकड़ में, तो ये यूरिया फर्टिलाइज़र की तरह नाइट्रोजन का सोर्स होगा, ये काम करेगा और आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। इसमें कोई भी आपने उर्वरक नहीं देना है, 2 या 3 हद से ज़्यादा पानी देने हैं, और DAP जो है वो अगर आप चाहें तो आधा बैग जो है वो दे सकते हैं, और पूरी चौकसी बरती है, एक बार शायद इसमें गुडाई करानी पड़ेगी अगर कोई खरपतवार आते हैं तो। मैं ये भी कहता हूँ कि आप अगर कम लगाते हैं, छोटे किसान हैं, तो आप ज़रूर मूंग दाल 1-2 एकड़ में लगाएं और अपने गांव में ही बेचें। गांव में बेचने का मेरा मतलब ये है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 रुपये किलो है बाज़ार में, आप इसको 85 रुपये किलो में बेचते हैं तो आपको 8,500 रुपये क्विंटल में ये बिकी, और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है ये आप सब जानते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ होगा। आप इसको घर में अगर रखते हैं पूरे साल के लिए और थोड़ा फालतू रखते हैं, तो मैं अक्सर ये कहा करता रहा हूँ कि जब आपकी बहन आएंगी कभी राखी पे, या कभी आएंगी दिवाली या दशहरा पे, तो वो जब जाने लगेंगी आप उनको जाते हुए कुछ गिफ्ट करते हैं, जैसा हमारा आम रिवाज है, सिस्टर लोग आएँ और जाएँ तो हम उनको कभी कभी शगुन के रूप में पैसे भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं। तो डॉक्टर गोसाई ये कहते हैं, मेरा नाम गोसाई है, कि जब बहन जाने लगें तो आप उनको 5-10 किलो मूंग दाल भी ज़रूर दें। वो ले जाएंगी, खाएंगी, आपको याद तो करेंगी, मगर मेरा जो छुपा हुआ एक ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, वो पूरा होता है कि इस प्रकार मैं अगर आपको लाड में फंसाता हूँ कि आप दाल को पैदा करें और सिस्टर के घर तक भी, ससुराल तक जाए, तो उसमें देश की कुल पैदावारी में मूंग दाल का रकबा बढ़ता है और पैदावारी में इजाफा होता है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि बहुत जल्दी करें, आप इसमें मूंग दाल को ज़रूर लगाएं। और जो भैया लोग उड़द लगाना चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, वो लोग T9, ये कुछ पुरानी किस्म है, मेरी बहुत चहेती है, आप T9 को भी लगा सकते हैं। और मूंग दाल को मैंने सितंबर से नवंबर में भी लगवाया है। अगर आप चूक जाते हैं और धान नहीं लगाते हैं, धान की जगह कोई और फसल लेते हैं, तो आप उसको लगाएं। एक संदेश और, कुछ पंजाब के किसान भाइयों ने मुझको बार बार पूछा है कि जी हम साइलेज या अचार बनाते हैं, मक्का बोते हैं मूँग की जगह, तो वो मक्का बोएं, उनको मैं जोर नहीं दे रहा हूँ मूंग लगाने के लिए। और उन्होंने किस्मों के नाम पूछे हैं, कुछ और किस्मों के नाम हैं, मगर मेरी नज़र में तीनों प्रदेशों के लिए, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जो बेहतरीन मक्का की किस्म रहेगी गाय भैंसों के साइलेज बनाने के लिए, उसका नाम है J1006। तो आप उस बीज को भी अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पैदावारी देता है, तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं बंद करता हूँ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।